दोस्तों ये रहा कसर कड़ी वाले कॉपीराइट डिस्क्लेमर। मेरा जो डिस्क्लेमर है ये है, आप सब लोग मुझे कॉपीराइट मारते हैं और मुझे रिपोर्ट मत करिए, क्योंकि मेरा रिव्यू बहुत ही छोटा हूँ तो मुझे जो रिपोर्ट है कॉपीराइट पर मुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ देखिए, फैमिली के साथ देखिए, बट इस फैमिली का जो वीडियो है, इस जो वीडियो है उस आपको फैमिली को मत दिखाइए, सिर्फ आवाज़ को सुनाइए, कुछ जाता आता नहीं होगा, ठीक है। मेरा वीडियो पर कुछ गाली वाली नहीं है, आप बिना फोन हेडफोन के भी आप सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को फुल सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक भी चांस नहीं पड़ेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने। तुम सब मेरे साथ काम से भी संतुष्ट नहीं हो, क्या चाहते हो यार? मेरे हर काम से तो मेरे हर फ्रेंड संतुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तुम तो संतुष्ट नहीं हो ना, क्या करूँ? मेरा तो धर्म निकल गया यार, मैं धर्म चला गया। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। What the God? मुझे एक और बार कोशिश करना चाहिए, मेरा दम दिखना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। ता प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। आप तो संतुष्ट हो ना, इस बार तो संतुष्ट होना ही था। मेरा इस फोटो को देखकर आप नहीं समझना कि मेरे में कुछ करने का साहस है। आप देखो लॉट्स ऑफ यूट्यूबर इस वीडियो को लेकर क्या क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को ले जा देते हैं जो है इंडिया का प्रधानमंत्री और अन्ना हजारे को भी। थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं। यही वो वीडियो है जो वायरल हुआ है। इस वीडियो में इन चारों लड़कियों ने अश्लील हरकत की हैं। मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि इन लड़कियों को दिल्ली सेक्टर 15 से गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया है। और आप सभी और अब भी मैं मान भी लेता हूँ कि इस चारों लड़की का अब शादी किया जाएगा, शादी करा दिया जाएगा, और जिस लड़कों से शादी किया कराया जाएगा उस लड़के का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। फिर नहीं तो क्या होगा, इस जैसे लड़की को जिस लड़के से शादी होगा उसका जिंदगी लगभग बर्बाद हो ही जाएगा। ओके, अब देखते हैं। आधे इनके परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। चलिए मैं मान भी लेता हूँ जो फोटो इस वीडियो पे जो यूट्यूबर ने दिखाया है वो फोटो सही है, बट एक ही फैमिली का चारों लड़कियाँ ये इस फोटो पर जो दिखा रहा है उसे तो लगता है कि चारों लड़कों का पत्नियाँ है उस चारों लड़की जिसका फोटो पर मुंह में ब्लर कर दिया गया है। और इन लड़कियों पर धारा 292 के तहत जेल में कैद कर दिया गया है, बहुत जल्द फांसी की सजा सुनाई जाएगी। किसी देश में किसी लड़की का रेप हो जाता है तो मुझे तो बहुत ही दुख होता है और लगता है कि उस लड़का का मैं मार दूँ, और ये मानना भी चाहिए। कम से कम मेरा तो मनती है कि कम से कम उस लड़का का गुप्त लिंग जो है, गुप्त अंग जो है, उसे को काट देना चाहिए। वही तो इंडिया पे नहीं होता। और क्या इस लड़की ने तो खुद का इज्जत उछाला है, उसका फांसी हो जाएगा तक पहुंच जाएगी। ये इस खबर से केवल हम और आप परेशान नहीं बल्कि पूरा देश हैरान है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। जिस तरह से ये वीडियो पूरा देश में वायरल हुआ है, इससे हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, नेता और प्रधानमंत्री, सेलिब्रिटी सब ने देखा। और इन प्रधानमंत्री का कुछ काम नहीं है ना। इस यूट्यूबर का बातें सुनकर और वीडियो देखकर मुझे तब लगने लगा है कि इस चारों लड़कियों ने खुद का रेप कर चुका है। इस रेप का भारी पड़ेगा इस चारों लड़की पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं से... हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मेरा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको फैमिली का, भाई बहन के साथ, बहन के साथ मत शेयर कीजिए, भाई के साथ शेयर कीजिए, और फीमेल है तो भाई के साथ मत शेयर कीजिए।
मतलब बहन के साथ शेयर कीजिए। ओके, और इस वीडियो पर मैं किसी को बुरा भला कहीं नहीं कहना चाहता था और किसी को दुख भी नहीं देना चाहता था। किसी को दुख लग गया तो उसे लिए, किसी को बुरा माना जाता हो तो उसे लिए मैं समझ चाहती हूँ सबको। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं और बहुत यूट्यूबर ने इस तरह का वीडियो पर कुछ लड़के का बात किया गया है, बट मैं लड़के का वीडियो नहीं डाला क्योंकि लड़का का बदनाम तो हो ही चुका है तो उसका डाल का कुछ फ़ायदा नहीं है। बट लड़की का को तो लड़की को इंडिया में तो घर का लक्ष्मी माना जाता था, उस लक्ष्मी ने इस तरह का वीडियो बनाएगा मैंने सोचा नहीं था। तो ठीक है, तुम लोगों ने बना दिया तो मैंने भी एक यूट्यूब वीडियो बना दिया। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, आशा करती हूँ इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।